नमस्कार। अद्भुत अद्वितीय माँ ममता और माटी का अद्भुत त्यौहार अपने प्रकाष्ठा की ओर बढ़ते हुए हर तरफ प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूर्ण आस्था के साथ मौजूद है। हर तरफ संध्या अर्घ के लिए मौजूद अद्भुत अद्वितीय अविश्वसनीय जैसे जैसे सूर्य अस्त की ओर आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों पूजा के लिए लोगों का हजूम बढ़ता चला जाएगा। मेरा नाम विदुषी है और आज मैं आप सभी के सामने केलवा के पाठ ये गाना प्रस्तुत करने वाली हूँ। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके, हे करेलो छठ बरतिया से जाके झुके, हे करेलो छठ बरतिया से जाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागे, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागे, हे करे लो छठ बरतिया से केकरा लागे, हे करे लो छठ बरतिया से केकरा लागे। हम रोजे बिटवा को मन ऐसन बिटवा से उनके लागी, हम रोजे बिटवा को मन ऐसन बिटवा से उनके लागी, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी। अमरुद्दिया के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके, अमरुद्दिया के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से जाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से जाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागे, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागे, ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे, ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे। हम रोजे स्वामी कवन ऐसन स्वामी से उनके लागी, हम रोजे स्वामी कवन ऐसन स्वामी से उनके लागी, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी। नरियल के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके, नरियल के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से जाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से जाके झुके। हमरो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागे, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागे, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे। हमरो जे बेटी कवन ऐसन बेटिया
से उनके लागी, हम रोजे बेटी का वर्णन बेटिया से उनके लागी, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी। धीरे धीरे सूर्य भगवान अस्त की ओर बढ़ते हुए, और अगर आप देखें तो अद्भुत, हर व्यक्ति छठ की इस महिमा को अपनी नजरों में कैद कर लेना चाहते हैं। उनकी केवल एक ही इच्छा कि हम किस तरह से अपने इस अद्भुत क्षण को अपने अंदर संयोग कर रखूं। आइए, आज एक ऐसी महिला से बातचीत कर रहा हूं जो यहां पर पूजा करने के लिए बैठी है। मैम, आप कब से कर रही हैं? 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए करके, 6 साल। यहां इस घाट पर पहली बार कब किया? पहली बार आज ही की हूं, नहीं तो घर जाती थी। हाँ, बहुत अच्छा, यहां पे बहुत अच्छा से करके रखे हैं। आपके साथ और कौन है? हाँ, हमारी बेटी है, हस्बैंड है, सब कोई है। सर, आपको कैसा लग रहा है? सर, रियली सर, बहुत ही अच्छा, और बहुत ही अच्छा अनुभव फील कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो इस बार जो देखा जाए, मतलब एकदम आदर में, मतलब बिल्कुल कहा नहीं जा सकता कि मतलब इतना बढ़िया से मतलब किया जा रहा है, और बहुत ही अच्छा। धन्यवाद सर, अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय। जिधर भी देखो, पूरी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अद्भुत झलक। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बच्चे, हर कोई मानो ऐसा प्रतीत हो रहा हो डूबते हुए सूर्य को अपने आंखों में कुछ ऐसे कैद करूं कि हमेशा उनके आंखों में बना रहे। हर तरफ अगर आप देखें, यहां पर अपनी माताएं बहनें किस तरीके से सिंगार के साथ पूजा करती हुई, वास्तव में यही हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है। अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय। सर, आप कहां से? सर जी, मैं यूपी बलिया का रहने वाला हूं। यहाँ पहली बार है? नहीं नहीं मैं यहाँ 14 साल से रहता हूँ, और ये 5वीं बार यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। धन्यवाद सर, यह वास्तव में अपने आप में पूरा भारत है। जिधर भी देखो, अब यह छठ पर्व केवल बिहार उत्तर प्रदेश का न होकर पूरे विश्व की है, और यह एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसा पूजा है जिसके तहत हर एक चीज को कैप्चर किया जाता है। अगर आप देखें तो इस पूजा की सबसे बड़ी खासियत होती है कि जो भी फल से प्रसाद जो भी है, वो सारे खेत से या प्रकृति से सीधी जुड़ी हुई। अगर आप देखते हैं तो हर प्रसाद प्रकृति से, खेत से जुड़ा हुआ। इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जो बाजार से लोग लेकर आते हो, चाहे मिठाई हो या फिर फल, ये सारे खेत से जुड़ा हुआ चीज। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अद्भुत झलक। क्या छोटे, क्या बड़े, हर कोई छठ में अपनी श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए अग्रसर। डूबते हुए सूर्य के साथ अर्घ देना यह बतलाता है कि कहीं ना कहीं यदि आप
पीछे पड़ गए हैं, तो फिर कल उगते हुए सूर्य की तरह आगे बढ़ सकते हैं। हमारे यहां डूबने और उगने की महत्ता उतनी नहीं होती। हम लोग सूर्य को भगवान के रूप में पूजते हैं, चाहे वह डूबता हो या फिर उगता। अद्भुत अद्वितीय भारतीय सभ्यता का ऐसा अद्भुत चित्रण विश्व में कहीं नहीं, शायद ऐसा कोई शब्द नहीं जो इसके बारे में बोला जाए। जिधर भी देखें, इसी के बीच छोटे छोटे बच्चे अटखेलियां करते हुए अद्भुत अद्वितीय अविश्वसनीय पर्व ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम सीता माता ने इस व्रत को आरंभ किया था जब वो अयोध्या 14 वर्ष के वनवास के बाद आती हैं। उसके बाद राज्य अभिषेक से पहले उन्होंने गंगा नदी में सबसे पहले छठ व्रत किए थे। वही दूसरा जिक्र कर्ण का भी मिलता है, जहां पे कर्ण का प्रत्येक दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ डालने की विवरण देखने को मिला है। यह एक अद्भुत अद्वितीय प्रत्येक व्यक्ति हर जगह प्रकृति के साथ कितना अद्भुत जुड़ाव यह पर्व प्रदर्शित करता है। यहां की प्रत्येक चीज अगर आप देखें, इको फ्रेंडली, चाहे फल हो या प्रसाद, सीधे खेत से काफी भीड़ अगर आप देखें, लगातार लोगों की संख्या बढ़ती हुई। उपाध्याय के द्वारा किया जा रहा है, प्रतिमा उपाध्याय के द्वारा किया जा रहा है। हमारी यह सभ्यता और संस्कृति रही है कि हम हमेशा ही अपने यहां आने वाले लोगों में अतिथि देवो भव का भाव रहा है। जहां मैम ने बताया यह छठ पर्व वास्तव में किस तरह से हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा है, उसका एक साक्षात उदाहरण है। आज यह पर्व न केवल बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा में सिपट कर रह गई, बल्कि आज के डेट में यह विश्व की प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को दर्ज कर रहा है। यह एक अद्भुत अद्वितीय अविश्वसनीय पर्व जो केवल भाईचारा और प्रकृति से अपनापन को दिखलाता है, प्रेम को दिखलाता है, सौहार्दता को दिखा रहा है। और पुनः सम्मान का दूसरा चरण, हमारी यह हमेशा ही कोशिश रही है
की लोगों को, उर्मिला ताई के द्वारा सभी लोगों का सम्मान किया जा रहा है। सम्मान कर मातृशक्ति को सम्मानित करना, वास्तव में उन्हें सम्मान देकर हम अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। यही हमारी गौरवशाली इतिहास रही है, यही हमारा परंपरा रहा है। अद्भुत अद्वितीय क्षेत्र। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि प्रसाद के लिए आप लोग कल प्रातः काल जरूर आए। धीरे धीरे सूर्य अस्त की ओर बढ़ता हुआ, जैसे मानो उस पर्वत के पीछे सूर्य भगवान छुप जाएंगे। अद्भुत अद्वितीय अविश्वसनीय अच्छे लोगों को सम्मान देना ही हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति रही है। आप कहाँ के रहने वाले हो? यूपीए। छठ के बारे में कुछ बताएंगे? इतना कुछ पता नहीं छठ के बारे में। कोई बात, आइए अभी यहाँ के शैलेंद्र जी कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही भव्य आयोजन किया है यहाँ पे छठ पूजा के लिए, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी मात्रा में लोग आए हैं, ठीक है, और काफ़ी खुशी होती है जब लोग छठ पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं। सब नॉर्थ बिहार के लोग जो है, नॉर्थ भारत के लोग जो आते हैं, और काफ़ी सुंदर व्यवस्था है, और व्यवस्था को देखते हुए ऐसा लगता है कि आंतरिक खुशी होती है। काफ़ी खुशी है कि जो व्यवस्थापक है जिन्होंने अरेंजमेंट्स किया है, काफ़ी सुंदर व्यवस्था की गई है, और आशा करते हैं ऐसी व्यवस्था अगले साल भी हो। धन्यवाद, धन्यवाद। वास्तव में इस व्यवस्था के रूट में आप जैसे ही लोग हैं जो अपने श्रम दान के बल पर यह अद्भुत अद्वितीय अविश्वसनीय कार्यों का संपादन किया गया है। हर की मात्र एक ही इच्छा, किस तरह से डूबते हुए सूर्य के उस पल को अपने कैमरे में जगह दूं जो हमेशा ही यादगार के रूप में आपके साथ रहेगा। अगर आप देखें तो हर तरफ इसी श्रृंखला में एक माँ से मैं बातचीत कर रहा हूँ। मैम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले बार आपने एक अद्भुत संगीत गाया था, जी, प्लीज। गैरा जी देवा बाड़ी साले ओड़िए ओड़िए मधु चूए, ओड़िए ओड़िए मधु चूए भी जले महादेव के पगिया गौरा देई के आभरण, गौरा देई के आभरण, उनका गोदिया में झलका ले गणपति पुत्र होई छठी परसन, होई छठी परसन। धन्यवाद मैम। नहीं कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके बावजूद भी ऐसा संगीत जो दिल से निकलता है और दिल को छू जाता है, अद्भुत अद्वितीय। शैलेंद्र जी आप बहुत ही अच्छा गाना भी गाते हैं, आपसे निवेदन है प्लीज छठ मैया के प्लीज। चलिए मैं एक छोटा सा गाना आपको सुना देता हूँ प्लीज। हे छठी माई, हे छठी माई, हे छठी माई जय जय जय, हे छठी माई जय जय जय।
छठे घाटे चंदनी छवा देनी घटवा सजा देनी हो, छठे घाटे चंदनी छवा देनी घटवा सजा देनी हो। छठी मैया आई ना पुरावे मन के आस, बालक जल में ठाढ़वारे हो। छठी मैया आई ना पुरावे मन के आस, बालक जल बीच ठाढ़वारे हो। जय छठी मैया। धन्यवाद सर, अद्भुत संगीत, ऐसा संगीत मानो दिल को चीर कर रख देती हो। अंदर की आवाज, ऐसी आवाज जो सीधे दिल को लगती हो, यही इस छठ का महात्म है, यही इस छठ का खूबसूरती है। अगर आपको असल भारत देखना हो तो यही है असल भारत। हर तरफ मातृत्व की भावनाओं, और यह धीरे धीरे सूर्य अस्त की ओर, और आज का यह सुंदर कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ती हुई, कल पुनः इसी ऊर्जा के साथ कि हम पुनः उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे, और उगते हुए सूर्य का आशीर्वाद लेंगे। हेलो बोलो ना पहले, देखो ना कैमरे लेकर देखो ना पीछे। हर तरफ और यह धीरे धीरे लोग घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था, सब दिया अद्वितीय अविश्वसनीय है। अभी एक बच्चे, आपका क्या नाम हुआ? कृपया यहाँ पे आ जाए। कौन कौन आया आपके साथ? प्लीज यहाँ अभिभावक कोई भी संगीत गाना चाहते हैं कृपया प्रोत्साहित करें। Yeah.
शारदा सिन्हा हम लोगों के बीच नहीं रही, उनका देहांत हो चुका है। देहांत का तात्पर्य है केवल देह का अंत हुआ है, आत्मा अभी भी है। शारदा सिन्हा वह नाम थी जिन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति और छठ के गाने को लोगों तक लाने का एक ऐसा सफल प्रयास किया था जो आज प्रत्येक दिल का धड़कन बन चुका है। आज उसी शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि देते हुए मैम एक ऐसे संगीत आपके सामने लाने का प्रयास कर रही है जो उनकी यादों को पुनः ताजा कर देगी। मैम प्लीज। हेलो, जानी ना महिमा
साथ में काफी खूबसूरत संगीत, मानो जैसे शारदा सिन्हा खुद आपके अंदर आकर वो संगीत को गा रही हूँ। यह अद्भुत संगीत अद्भुत ये है, यह ख्वाहिश रहती है कि जो भी है उन्हें पुरस्कृत किया जाए। इसी क्रम में प्रेरणा मैम, जिन्होंने अपने मधुर स्वर से पूरे माहौल को इतना खूबसूरत बनाया था, उन्हें सम्मानित करते हुए जोरदार ताली। ताली वह आशीर्वाद है जो बजाते तो आप हैं, लेकिन मिलता आशीर्वाद किसी और को है। अद्भुत मैम से अनुरोध है, एक और संगीत जो आपके लिए लेकर आ रही है। धन्यवाद मैम, आपने अद्भुत स्वर से जो समा बाना था वह अद्वितीय है। आज का यह कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है। कल पुनः भुरवारक के दिन हम लोग उगते हुए सूर्य के अर्घ के साथ हम लोगों का कार्यक्रम आरंभ होगा। आपसे अनुरोध है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे हैं, कृपया साफ सफाई के साथ जाएं। जो भी यहाँ की पोलोथीन वगैरह जो आपने बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी, कृपया उन्हें स्टेज पे लाकर रख दे, तथा जाते समय साफ सफाई की पूरी ध्यान रखें, तथा कल जहां पर बैठे थे उसी स्थान पर पुनः बैठें। दो सर मैम का प्लीज मैम, आपसे अनुरोध है, यह तालाब काफी स्वच्छ है, क्रिस्टल क्लियर है, अद्भुत है। कृपया आप लोगों से यह अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की गंदगी तालाब में न डालें। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि कोई भी गंदगी तालाब में न डालें। यदि किसी भी व्यक्ति को तालाब में गंदगी डालते हुए देखा गया और कैमरे में पकड़ा गया, तो वैसे स्थिति में उन्हें 10,000 फाइन की व्यवस्था की गई है। इसलिए ध्यान रखें, अपने भी स्वस्थ स्वच्छ सुंदर वातावरण बनाए और टीम को भी सहायता करें। मैम प्लीज। छठी मैया की जय। प्रेरणा इतना सुंदर गीत गाए, इतना सुंदर, आप लोग महसूस कर रहे होंगे अरे ये बिहार से होंगी, कोई बात नहीं, बिहार के लोग तो भोजपुरी गाना गा ही लेते हैं, हमारे तरफ सब लोग गा लेते हैं भोजपुरी गाना। लेकिन आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये बिहार से भी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश से भी नहीं है, है तो भारत की लिए MP से हैं। और ये मैंने कहा आप इतना अच्छा गाना गाती हैं तो आप मेरे छठ के लिए गाना गाएंगी क्या, इन्होंने कहा कि हाँ क्यों नहीं गा सकते हैं। तो मैंने इनको YouTube से बहुत सारे इनको गाना दिया और ये एक महीने से प्रैक्टिस की, और मुझे जैसे लग रहा था कि साधना सिन्हा ही मेरे मंच पे आके बैठी हुई है। छठ का त्यौहार तो ऐसे बहुत खूबसूरत त्यौहार होता है, जितना आनंद आप ले सकते हैं उतना लीजिए, और हर साल यहाँ बहुत अच्छा मनाया भी जाता है, और कोशिश ये भी रहेगा हम इससे भी अच्छा और खूबसूरत त्यौहार मनाएंगे, और मनाने वाले ज़्यादा यहाँ जो उपस्थित लोग रहते हैं और टाइम अपना कीमती टाइम देते हैं, मैं उनके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रेरणा मैडम की खासियत बात यह है कि खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, और ये खाना बनाती भी नहीं है, और इनका ऑनलाइन बुकिंग भी होता है खाने का, और जो भी जितने हर तरह के लिट्टी चोखा से लेके MP से UP, UP से महाराष्ट्र से लेके पंजाब की सारी वैरायटी इनको व्यंजन आता है। ये कला से भरपूर है, जितना मैं इनकी तारीफ करूं मेरे पास शब्द नहीं है।